हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने ऑनलाइन कोर्सेज एंड क्लासेज में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ चीजों पे बात करने वाले हैं जो काफी कंफ्यूजन है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है। और ये कैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या, क्लास ई फायर। जी हाँ, क्या सुना आपने, क्लास ई फायर होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो फिर कब? जहां तक कुछ लोगों का मानना है होता है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं होता है। आखिर इस तरह का ये प्रश्न क्यों आ रहा है? और दूसरी बात, अगर माना गया कि चलो इलेक्ट्रिसिटी से, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फायर है उसको हम मान लेते हैं क्लासी, तो क्या जब इलेक्ट्रिसिटी से आग लग रहा है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लग रहा है या आग की ओरिजिन हो रही है तब तो क्लास ई फायर होगा? इस तरह की न जाने तमाम तरह की बातें इस समय मूव कर रही हैं और बहुत से स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया और ये पूछा, वह भी काफी कंफ्यूज था। कारण क्या था कि तमाम तरह की वीडियोज आते हैं, तमाम तरह के लेक्चर आते हैं, लेकिन कितने लेक्चर उसमें ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल एक तरह से कंफ्यूज कर देते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या है। आज मैं बताऊंगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है और क्लास ई होता है कि नहीं। आप इस चीज को देखिएगा, आपके हर एक प्रश्नों का जवाब। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि अगर क्लास ई फायर जो है होता है, फायर के लिए क्लास ई है, तो वह बिजली के लिए, तो बिजली से आग लगने वाले को कहां पे रखेंगे, किस फायर से रिलेट करेंगे, किस कैटेगरीज में रखेंगे, इन सारी बातों को एक एक करके मैं बताता हूं और दैट डिसाइड आप करिएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। आप इस चीज को समझ जाएंगे चंद मिनटों में। तो हम शुरू करेंगे क्लास ई फायर, ठीक है। क्लास ई क्वेश्चन मार्क पे लगा रहा हूं, सोचने की बात है कि क्यों ये होता है या नहीं होता है इस बात पे। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि क्लास ई जो है इस तरह का कोई भी डिफाइन डेफिनेशन, चाहे हम नेशनल की बात करें या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, क्लास ई के लिए किसी भी तरह का कोई भी कहीं भी मेंशन नहीं है कि क्लास ई फायर होता है। सीधी बात आप जानिए, आज करेक्ट करिए अपने आप को कि क्लास ई फायर नहीं होता है। क्या करेक्ट किया आपने, क्लास कभी भी इंटरव्यू में जाइए, कहीं भी जाइए, कॉपी लिख रहे हैं, एग्जाम का लिख रहे हैं, कभी भी सीधे लिखे देयर इज नो क्लास ई फायर, कोई भी क्लास ई फायर नहीं होता है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। क्यों नहीं होता है बताता हूं आगे। आपने क्लास ए का नाम सुना, क्लास बी का नाम सुना, सी का नाम सुना, डी का नाम सुना, एफ का नाम सुना, इवन के का नाम सुना, और अब बारी आती है ई। कुछ लोगों का यह मानना है, जिसे लोग कहते हैं कि ई जो है इलेक्ट्रिक से अगर आग लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से अगर आग ओरिजिन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, क्लास ई कहेंगे, ठीक है, यही बात है। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए कि क्लास ए की मैं बात करूं, ए बी सी डी एफ एंड ऑप्शन के, इस सब ये जितने फायर हैं इसमें लिखा जो फायर है, इनका क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, इनके क्लासिफिकेशन का, इनको जब डिवाइड किया गया तो कुछ तो बेस माना गया होगा, किसी में वर्क प्रॉपर्टीज होती है, किसी में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, किसी में केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जो फायर को आग को हमने डिवाइड किया, डिफाइन किया, तो किसको बेस माना गया, किसको आधार माना गया, मालूम है किसको आधार माना गया? नहीं मालूम है तो जान लीजिए, इसको माना गया फ्यूल के आधार पर, इट मीन्स ईंधन के आधार पर, ईंधन के आधार पर क्या हो गया, ईंधन, ईंधन या फ्यूल, ठीक है। यानी जब भी जितने भी आग बने, क्योंकि आप जानते भी हैं क्लास ए है तो आप कहते हैं सॉलिड मटेरियल है, फिर क्लॉथ है, टेक्सटाइल है, किसी में कहते हैं फ्लेमेबल गैस है, लिक्विड, ये है क्या चीज, तो इट इज अ टाइप्स ऑफ फ्यूल, एक तरह का ईंधन है, और ईंधन के आधार पे ही ये सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। और जब ईंधन के आधार पे किया गया क्लासिफिकेशन, तो ई क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ईंधन है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो ईंधन है ही नहीं है, फ्यूल है इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है। आप इस चीज को कंफर्म जानिए, अगर नहीं जानते हैं तो अपने आप को करेक्ट करिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अगर ठीक है कहीं से हमें कोई गलत जानकारी मिली तो हमें करेक्ट करने की जरूरत है, कोई इशू नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, फ्यूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी
क्या है? ईंधन नहीं है, ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, राइट? फ्यूल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये फ्यूल नहीं है। और क्लास ई जो है कोई फायर क्लास नहीं होता है, ठीक है, कोई भी फायर क्लास नहीं होता है। इस बात को आप बखूबी समझ लें और जान लें। आगे की मैं बात करूं अगर आपसे, इस चीज को, ये नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये नहीं है। अब यहां प्रश्न उठता है कि सर अगर इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी से फायर की ओरिजिन होती है, फायर की ओरिजिन हो रही है, तो फिर क्या करेंगे? उसको कहां ले जाएंगे, किस ग्रुप में रखेंगे? क्लास ई में रखें, क्लास बी में रखें, क्लास सी में रखें, क्लास डी में रखें, एफ में रखें, किस में रखें? अब जरा इस चीज को समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, इस चीज को समझ लेते हैं और फिर मैं बताता हूं। और ये क्वेश्चन किया एक ऐसे स्टूडेंट ने जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और उन पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभाकर सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं, और सुबह सुबह उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने इस प्रश्न को किया तमाम तरह की बात। तो मैंने सोचा कि अगर इन्हें कंफ्यूजन हो सकता है तो हो सकता है और लोगों को भी हो, और भी स्टूडेंट्स को, उसको दूर करते। देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है, एक तरह का इग्निशन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इग्निशन, यानी वह आग के लिए जिम्मेदार। जैसे सपोज करिए कहीं आपके घर में की बात करूं या ऑफिस में बात करूं या कहीं और भी बात करूं, वहां पे लगा हुआ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वहां पे स्पार्किंग होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, भाई यही कारण है, स्पार्किंग होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो उसके वजह से जो भी चिंगारी निकलेगी उससे हीट मिलेगा, और हीट मिलने के बाद से उसे ईंधन चाहिए कि नहीं, जलने के लिए। अब बताइए जब बिजली से जब स्पार्क होगा, स्पार्किंग होगी, तो जब स्पार्किंग होगी या शॉर्ट सर्किट होंगे तो वहां पे जलेगा क्या? वहां पे जलने के लिए जो चीजें होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, उस चीज को देख लीजिए। हमारे पास हो सकता है वुड, लकड़ी हो सकता है, ठीक है, पीवीसी हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, ठीक है, मेटल हो सकता है, फैट हो सकता है, ठीक है, और फिर तमाम तरह फ्लेमेबल लिक्विड गैस भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें ये हो सकती हैं। किससे? स्पार्क, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है सिर्फ इग्निशन देने का काम करती है। क्या कर रहा है? इग्निशन, यानी एक तरह की उसके वजह से वो माध्यम बन रहा है, फ्यूल नहीं है, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलता है। इलेक्ट्रिसिटी जलता है, लकड़ी तो जल रहा है, बोर्ड में मान लीजिए, आप सोचिए कि बोर्ड है, बोर्ड में स्पार्किंग हुआ, स्पार्क हुआ तो क्या जलेगा? बिजली जलेगा, लकड़ी जलेगा? आप बताइए, बिजली जलेगा, लकड़ी जलेगा, प्लास्टिक का बोर्ड जलेगा, वायर जलेगा, क्या जलेगा? क्या कहेंगे आप? एग्जैक्टली कहेंगे कि सर नहीं, वहां तो वायर जलेगा, वहां तो लकड़ी जल सकता है, वहां जो कुछ भी है वो जलेगा। तो सर जब अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसाइड किया गया, डिफाइन किया गया फायर को, तो फिर प्रश्न कहां आता है? क्लास ई का। तो क्लास ई तो है नहीं, क्योंकि ये फ्यूल ही नहीं है। आज जो फ्यूल ही नहीं है, जो फ्यूल ही नहीं है, तो फिर क्लासिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? आप सभी समझ पा रहे हैं? नहीं, बहुत से जगह में मैंने सुना है, देखा भी है, मैंने भी बहुत से लोगों के लेक्चरों को मैं देखा, लोग मुझे दिखाते भी हैं, सर देखें यहां पे बताया जा रहा है क्लास ई है। तो मेरे भाई अगर वो कोई गलत बता रहा है, गलत उसे जानकारी है, हम उनको भी दोष नहीं देंगे, उनको भी जानकारी उसी तरह से मिले। तो ये जरूरत है, आज ये वीडियो जाएगा और जैसे ही आप इस चीज को देखेंगे अपने आप को करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। और प्रभाकर की तो सारी चीजें दूर हो गई, वाह, उनका कंफ्यूजन दूर हो गया, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रभाकर सिंह जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अक्सर हमें सुनते हैं, एग्जाम में गए, इंटरव्यू में गए, हमने सही बताया और फिर हमको फेल कर दिया गया, रीजन यही है। तो करेक्ट जानकारी न होना, अगर हमें कोई चीज सही नहीं जानकारी, जानने की कोशिश करिए सच्चाई क्या है। तो पहली बात, क्लास ई फायर नहीं होता है, क्योंकि आग का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो फ्यूल के आधार पे, ईंधन के आधार पे किया गया है, और जब ईंधन के आधार पे किया गया है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल की कैटेगरीज में नहीं आती है या उसको रखा गया है, यही कारण है क्लास ई। अब क्लास ई क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। अब एक प्रश्न लोगों के दिमाग में ये बार बार जो है ये पिन करता है, क्या करता है कि यार जब उससे आग लग गया इलेक्ट्रिसिटी से तो फिर क्लास ई तो होगा। सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्लास ई नहीं होगा, वो फायर क्या होगा? अगर
इलेक्ट्रिसिटी इग्निशन देने का काम, जैसे माचिस जलाया आपने, माचिस जलाया तो माचिस जलाने के बाद क्या किया आपने, आप उस चीज को, उस गैस जलाते हो या जो कुछ भी जलाते हो, वो जलाने का काम किया ना, इग्निशन दिया, वो जलाने का काम किया, वह ईंधन नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी ईंधन नहीं है। अब कहते हैं कि उससे जो आग लगा, यानी हम माना गया रूट कॉजेज हो सकता है इग्निशन, रूट कॉजेज हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, वह क्लास नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए आग लगा, शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट होने के बाद जलने क्या लगा, लकड़ी जलने लगा, लकड़ी जलने के बाद क्या होगा, अगर मैं किसी सामान्य घर की बात करूं, ऑफिस की बात करूं, कंपनी की बात करूं, तो वहां पे रखे हुए सामान ही तो जलेंगे, और जब वो सामान वहां पे क्या है, वहां लकड़ी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ये सारी चीजें, तो बिजली क्या कर रहा, इग्निशन दिया, एक माध्यम बना और आग जनरेट हो गया। ठीक है, इसके बाद से जो आग लगा वहां बेस देख लेंगे, बेस क्या है, तो आधार क्या है, लकड़ी जल रहा है तो क्लास ये हो गया, मेटल जल रहा है तो उसी हिसाब से आप बता दीजिए कौन सा हो गया, फ्लेमेबल लिक्विड है, फ्लेमेबल लिक्विड है, गैस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए जो कुछ भी जल रहा है वही चीज तो है, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, हाई टेम्परेचर फैन। अगर बिजली से आग लगा, सपोज करिए वहां एक जगह शॉर्ट सर्किट होता है और उस पूरे गोदाम में फैट रखा हुआ है, ठीक है, कुकिंग ऑयल रखा हुआ है, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहां पे आग लगा, आग जनरेट हुआ। जब आग लगता है शॉर्ट सर्किट होने से तो जलेगा क्या, वहां फैट जलेगा ना सर, तो जब फैट जलेगा तो फैट जलने की वजह से तो फैट क्या है, फैट वहां फ्यूल हो गया, वह एक तरह का ईंधन है वो जो जल रहा है। जब वो जलना शुरू करता है तो फिर हमारा सीधी सी बात है, हम क्या कह देते हैं, क्लास एफ होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो क्लास एफ होगा, और रीजन में बात करें रीजनली कहीं कहीं कुछ देशों में क्लास के भी आता है, ठीक है, के और एफ दोनों एक ही, कहीं लकड़ी जल रहा है क्लास ई हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस चीज को करेक्ट करिए, ये पूरी बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, बिजली क्या है, ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, क्योंकि वो खुद जलती नहीं है। बिजली कहां जलती है, बिजली तो क्या करती है, बिजली खुद तो जलती नहीं है, जलती है आप सोचना नहीं, ये फ्यूल नहीं है। आई होप समझ पा रहे आप सभी, कभी भी भूल के भी अगर इस तरह का जवाब मत देना कहीं कि क्लास ई फायर होता है, सीधा बोलो फायर नहीं होता है, क्लास ई नहीं होता है। तो बिजली से आग लगा तो क्या हो गया, ठीक है सर, बिजली से आग लगा तो बहुत सारे हो सकते हैं, लकड़ी जल रहा है तो क्लास ई हो जाएगा, फैट जल रहा है तो माफ कीजिएगा, लकड़ी जल रहा है तो क्लास ई हो जाएगा, टेक्सटाइल है, फैट जल रहा है तो एफ हो जाएगा। इस तरह से ये सारी चीजें डिसाइड किया गया, गैस से आग लग रहा है आप देख ले, फ्लेमेबल लिक्विड से आग लग रहा है, तो जिस चीज से आग की ओरिजिन हो रही है वही उसका क्लास होता है। क्या होता है, वन सेकेंड, जिस वजह से आग जनरेट हो रहा है, ओरिजिन हो रही है, वही क्या होगा, उसका क्लास होगा, फायर क्लास होगा, न कि क्लास ई डी एफ जी मर्जी चाहे जो बना लो, ये होता नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।